वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ जिग्नेश पंचाल जेपी ट्यूटिंग से। फ्रेंड्स, मैंने आज का ये ट्यूटोरियल अपलोड करने में बहुत देर लगा दी है, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ और आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करूँ। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये वेब फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। अब इस फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आज हम अपने डेटाबेस माई एस क्यू एल पे काम करेंगे। फ्रेंड्स, डेटाबेस को यूज़ करने से पहले आप जैम को ओपन करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका माई एस क्यू एल स्टार्ट है या नहीं है। अगर वो स्टार्ट नहीं है तो आप इन बटन के थ्रू इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो माई स्किल को यूज़ करने के लिए हमें एड्रेस बार में टाइप करना होगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद हमारे सामने जैम्प का होम पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो नेविगेशन बार में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है पीएचपी माय एडमिन, तो फ्रेंड्स पीएचपी माय एडमिन जैम्प का एक पोर्टल है जो हमें माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो क्लिक ऑन पीएचपी माय एडमिन, तो ये हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्लिक फॉर डेटाबेसेस। यहाँ पे हमारे डेटाबेस का हमें नाम देना होगा, हम यहाँ पे नाम देते हैं शॉर्ट एंड स्वीट सर्च। क्लिक फॉर क्रिएट। ओके, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जो जितने भी अदर डेटाबेस है उन उसी बीच में हमारा डेटाबेस यहाँ पे सर्च शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे हमारे इस वेब फॉर्म के लिए टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का भी हम नाम देते हैं छोटा सा सपोज वेबसाइट एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉलम की हमें यहाँ पे नीड है, तो एक कॉलम हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। 6 कॉलम हम यहाँ पे लेंगे। गो फॉर क्रिएट। ओके, तो हमारी टेबल भी क्रिएट हो चुकी है। अब इस टेबल के हर फील्ड का हमें नाम एंड उसके डेटा टाइप सेलेक्ट करने होंगे। सबसे फर्स्ट फील्ड हम यहाँ पे आईडी लेंगे। ओके, और इस आईडी को हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे। गो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आईडी लेने का कारण ये है कि आईडी फील्ड हमेशा डेटाबेस की हर टेबल में लिया जाता है और इस आईडी फील्ड के थ्रू ही हम पूरे एक सिंगल रिकॉर्ड को कंट्रोल करेंगे। यानी कि हमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा, तो उसको उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक यूनिक आईडी की ज़रूरत होती है। तो इस कारण से हम हर फील्ड में, हर टेबल में, हर डेटाबेस में एक फील्ड आईडी नाम का ऑलवेज देते हैं और वो आईडी हमेशा हम ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं और उसको प्राइमरी की रखते हैं। प्राइमरी की जानकारी के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल में प्राइमरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्राइमरी की ऐसी की होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है और वो कॉपी नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि आईडी हमारी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि जब हम पहली बार डेटाबेस सेव करेंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली 1 सेव होगी। देन हम नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो आईडी 1 से इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे और जैसे जैसे हम फ्रेंड्स काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा एंड आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फील्ड है हमारा साइट टाइटल, साइट लिंक, साइट कीवर्ड्स, यही साइट टाइटल, साइट लिंक, साइट कीवर्ड। कीवर्ड को मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम की देता हूँ। नेक्स्ट साइट डिस्क्रिप्शन को मैं हम डी ई एस लेते हैं।
एंड लास्ट साइट img image। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो हमारे इस इमेज नाम के फोल्डर में सेव होगी इमेज, बट हमें उस इमेज का नाम भी हमें यूज़ करने के लिए चाहिएगा। तो डेटाबेस में इमेज का नाम यहाँ पे सेव होगा डेटाबेस में, और एक्चुअल में इमेज अपलोड होके हमारे इस img नाम के फोल्डर में सेव होंगी। ओके और यहाँ पे टेबल क्रिएट करते वक्त, डेटाबेस का नाम देते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी डेटाबेस के नाम में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया जाता है और यहाँ पे स्पेस भी अलाउ नहीं होता है, तो इस कारण से हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं। ओके अब हम यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं, और आईडी का डेटा टाइप हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे। इंटीजर डेटा टाइप में न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं, तो इसमें हम int इंटीजर ही लेने देंगे। और साइट टाइटल में हम वेरियस कैरेक्टर लेते हैं। वेरियस कैरेक्टर वो डेटा टाइप है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स कैरेक्टर सपोर्ट किए जाते हैं। साइट लिंक भी वेरियस कैरेक्टर, इसको हम शॉर्ट में वेर केयर भी बोलते हैं। साइट कीवर्ड्स ऑल्सो वेरियस कैरेक्टर, एंड साइट डिस्क्रिप्शन को हम टेक्स्ट लेंगे क्योंकि ये हमारा एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे डेटा टाइप होता है टेक्स्ट। ओके एंड लास्ट साइट इमेज के लिए भी हम यहाँ पे वेरियस कैरेक्टर देंगे। अब इन सब की वैल्यू देते हैं हम आईडी की, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और ये इन्फिनिटी तक चल सकती है, तो हम इसकी लेंथ कुछ भी नहीं देंगे, इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली एज ए इन्फिनिटी काउंट हो जाएगी। साइट टाइटल की हम यहाँ पे लिमिट देते हैं 200 कैरेक्टर्स। साइट लिंक, क्योंकि क्या होता है कि फ्रेंड्स लिंक कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसकी हम लिमिट देंगे 400 कैरेक्टर्स। साइट कीवर्ड्स 200 कैरेक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स देने के लिए। साइट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट लिया है तो टेक्स्ट की लिमिट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और साइट इमेज, इसको भी हम ज़्यादा 100 कैरेक्टर देते हैं। ओके नाउ क्लिक फॉर सेव। ओके तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये टेबल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्ट्रक्चर को देखने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ से नज़र में आ जाएगा। हमारे सारे फील्ड आ चुके हैं यहाँ पे, आईडी, साइट टाइटल, साइट लिंक, साइट कीवर्ड, साइट डिस्क्रिप्शन एंड साइट इमेज। इन केस किसी फील्ड को बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, गड़बड़ हो गई हो, तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, फिर गलती से गलत ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स तो हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए सर्च नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने वेबसाइट नाम की टेबल बनाई है, और अब हम इस फॉर्म के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस टेबल में आकर सेव होगी। ओके फ्रेंड्स तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिए। ओके दोस्तों तो मैं इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कोडिंग।